ओके गाइस, सो दिस इज हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ कोड फॉर कोड शेफ। ओके, कोड शेफ लंच टाइम जून, क्वेश्चन सी गोल्ड माइनिंग। ओके, क्वेश्चन सी और डी जो भी। सो व्हाट वी आर हैविंग बिफोर दिस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज एंड वेब डी के वीडियोज पोस्ट करता हूँ। ओके, सो इन द क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पास क्या था, एन गोल्ड माइंस थी, ठीक है, जिसमें से हर गोल्ड माइन में GI गोल्ड था, ठीक है, एंड दो हमारे शेफ एंड शेफू दो लोग थे, तो वो क्या कर रहे थे, शेफ क्या कर रहा था, AI डेज में GI गोल्ड निकाल रहा था और शेफू क्या कर रहा था, BI डेज में GI गोल्ड निकाल रहा था। ओके, सो हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि अगर दोनों लोग ऑप्टिमली गोल्ड निकाल रहे हैं माइंस से तो एंड में किसके पास कितना गोल्ड आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि ऑब्वियसली जब किसी माइन में गोल्ड ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा वाला दूसरी माइन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके फाइन, नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वो तो वहीं से ले लेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया होगा इसलिए नहीं हुआ हो शायद, मे भी अगर कम दिमाग लगाया होगा तो, मतलब जिसने भी वो वर्ड ऑप्टिमली खेल लें इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लिया होगा ना, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया होगा, बट थोड़ा दिमाग लगाने के बाद वो भी इजी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये जी है, ये ए है, ये बी है। ओके, और से जी में आपके पास 40 है, ये कर रहा है 3 एंड ये कर रहा है 4, ठीक है। सेकेंड क्या है, जी में आपके पास 20 है, ये कर रहा है 1, ये कर रहा है 1। ओके, थर्ड क्या है, जी में आपके पास 30 है, मैं थोड़ा इजी टेस्ट केस बना रहा हूँ, आप अच्छा भी बना सकते हो, ठीक है। जी में आपके पास 30 है, ये कर रहा है 1 डे में, ये कर रहा है 2 डे में। नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज ऑप्टिमली खेल, पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ये दोनों साथ में एक ही माइन में एक बार में काम कर रहे हैं, ठीक है, पहले ए में किया, फिर बी में किया, फिर सी माइन में किया, ठीक है, तो फिर कैसे क्या करेंगे हम, फर्स्ट माइन में एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग जाएंगे, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, 4 हो गया बाई 40, ठीक है, कितना हो गया 10, ठीक। तो अगर इन दोनों ने एक साथ माइन में काम किया तो हमारे ए को कितना मिल जाएगा काम करने में, इस माइन से 10 मिलेगा, ठीक है, बी को कितना मिल जाएगा, बी को 30 मिलेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ ऐसे आप कर सकते हो कि जब आपने 40/4 किया तो 10 आया, अब 10 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो बी वाला आ जाएगा और बी 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ए वाला आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसको एक दिन में पूरी माइन कर देगा तो ये 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे पास कि अगर इन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया तो एक दिन में 1/3 हिस्सा तुम्हारा इसको मिलेगा, 1/3 हिस्सा ए को मिलेगा एंड बाकी 2/3 हिस्सा इसको मिल जाएगा। ये नहीं 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 सॉरी 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 क्या होगा आपका, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, तो क्या होगा आपका टोटल हिस्से कितने होंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, 3+4 4 हिस्से होंगे, ठीक है, एक दिन के काम में, और जिसमें से ऑब्वियसली ये ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, ठीक है, तो आप इससे देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा कि 3/4 हिस्सा इसको मिल जाएगा, 3/4 हिस्सा बी को मिल जाएगा एंड 1/4 हिस्सा ए को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे माइंस का निकाल सकते हैं, ठीक है, और सारे माइंस का निकाल के ए का ऐड कर लेंगे, बी का ऐड कर लेंगे, ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब मैं बताता हूँ उनके लिए जो ये क्वेश्चन ऑप्टिमली करने की सोच रहे थे, ठीक है, वैसे ये चीज़ जो की है मैंने ये ऑप्टिमली है, अब ये ऐसा क्यों है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। बहुत लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो फालतू हो गया, हमने तो इतना दिमाग लगाया, ठीक है, तो फॉर देम क्या होता है, आप ये कह रहे होंगे कि ये काम
एक आपने सॉल्यूशन सोचा होगा कि बी वाला जो है वो पहली माइन में तेज काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो बी वाला पहली माइन में काम करेगा और एक दिन में 40 अपने में जोड़ लेगा। ठीक है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। हाँ, सेकेंड वाला उसी दिन में क्या करेगा, आपका सेकेंड माइन में काम करेगा और 20 अपने में जोड़ लेगा। ठीक है, तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन ए ने क्या किया, इस माइन में काम किया, 20 हटा दिया। बी ने क्या किया, इस माइन में काम किया, 40 हटा दिया। अब बचा 30, दोनों आके इस माइन में काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली, 2+1 3। ठीक है, तो इसको कितना पार्ट मिलेगा, तेज कर रहा है काम तो इसको ज़्यादा पार्ट मिलेगा, मतलब 2/3 पार्ट इसमें आएगा, 2/3 पार्ट इसमें आएगा एंड 1/3 पार्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो 1/3 पार्ट इसका कितना हो गया, 10, 10 बी में आएगा और 20 ए में आएगा। ठीक है, तो लास्ट का आंसर आप कितना कर सकते हैं, 50 और 40। ओके, अब अगर साथ में काम कर रहे थे हम, तब का आंसर निकाल लेते हैं। आप तब का आंसर निकाल के देखो कि जब ये हर माइन में साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, तब का आंसर भी कितना आएगा, 50 और 40। अब ऐसा हुआ क्यों, अगर आप एक टाइम पे दो लोगों को अलग अलग माइंस पे काम करवा रहे हो तो क्या हो रहा है पता है, तो ये हो रहा है कि दोनों लोग ऑप्टिमली काम तो कर रहे हैं बट प्रोसेस आपका सेम यही हो रहा है। ठीक है, आपने एक वो वाला छोटे में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दो लोग मिलके एक टी शर्ट है या फिर एक कपड़ा है, वो धूप में 10 10 मिनट में सूखता है, तो 10 कपड़े कितने मिनट में सूखेंगे। ये थोड़ा उस तरह वाला लॉजिक है। ठीक है, कि अगर दो लोग हैं वो सेम माइन में काम कर रहे हैं और उससे आधा आधा हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट माइन में काम करके पूरा पूरा एक एक हिस्सा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों को सेम सेम ही मिलेगा। ठीक है, आधा आधा मीन्स, जैसे मान लो आपके पास दो टॉफीज़ हैं, ठीक है, दो टॉफीज़ हैं और इस पे आपका पहले से भाग पता है आपको कि अगर आपने साथ में बांटी दो टॉफीज़, ठीक है, तो एक टॉफी का 1/2 पार्ट किसी को मिलेगा एंड 1/2 पार्ट किसी को मिलेगा। इस टॉफी में भी यही होगा, 1/2 पार्ट एक को मिलेगा, 1/2 पार्ट एक को मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि इसको अगर डिवाइड करना है तो इसका ऑप्टिमल क्या हो जाएगा, कि आप पूरी एक टॉफ़ी एक लोग ले लो और दूसरी एक टॉफ़ी एक लोग ले लो। ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज़ है यहाँ पे भी, कि अगर आप साथ में एक ही माइन पे काम कर रहे हो तो भी एक ही चीज़ है, और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट माइंस पे काम कर रहे हो तो भी एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसका कोड दिखा देता हूँ। कोड में आए, सबसे पहले तो हमने प्रिसीजन सेट कर लिया, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया इतना, वैसे उसमें आंसर में बोला था 10^-6 तक का प्रिसीजन सेट करना है। ठीक है, फिर क्या किया, एन ले लिया हमने, ये लाइन हटा दो किसी काम की नहीं है। फिर हमने तीन एरे बना ली, तीनों का इनपुट लिया, दो अपने नंबर लिए ए ए बी बी, जिसमें हम अपना वो करवाएंगे, क्या करवाएंगे, दोनों को कितना गोल्ड मिला। ठीक, नेक्स्ट लूप चलाया, क्या किया हमने, एक्स में वैल्यू दी जी आई अपॉन ए आई प्लस बी आई, क्या कर रहे हैं, 40/4। ठीक है, एक पार्ट की कितनी वैल्यू है वो निकाल लिया हमने, एक पार्ट की वैल्यू आ गई एक्स। अब ए वाले को कितना पार्ट मिलेगा, जितना बी की वैल्यू है, ठीक है, और बी वाले को कितना पार्ट मिलेगा, जितनी ए की वैल्यू है, प्लस कर दे गए, आउटपुट दे दिया। सो थोड़ा सा फुद्दू क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड दिस वीडियो के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट फर्दर वीडियो क्वेश्चन के एडिटोरियल डालता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज़। ओके।